नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवाई पर। आई नजर डालते हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। कांग्रेस हाईकमान ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सीएम सुक्खू को नियुक्त किया है। स्टार प्रचारक कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 8 मई तक मुख्यमंत्री विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे चुनाव प्रचार। बेंगलुरु में सीएम सुक्खू ने दिया बयान कि शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को हराकर दर्ज की है जीत। भाजपा ने नगर निगम जैसे छोटे चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मांगे हैं वोट। चंबा जिले में सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं का टूट गया सब्र का बांध। स्कूल में अध्यापकों की तैनाती की मांग को लेकर कक्षाएं छोड़ सड़क पर उतर गए हैं छात्र। स्कूल के छात्र छात्राएं लामू हिलिंग सड़क पर बैठकर कर रहे नारेबाजी। पूर्व सरकार ने लामू को माध्यमिक से वर्ष स्कूल का दिया था दर्जा, लेकिन अब तक नहीं भेजे अध्यापक। एक वर्ष तक बिना अध्यापकों के ही चलती रही 11वीं और 12वीं की कक्षाएं। अब क्लास 1, 2 और 3 की भर्ती परीक्षाओं में नकल करते हुए पकड़े जाने वाले अभ्यर्थी 15 वर्ष के लिए होंगे ब्लैकलिस्ट। राज्य लोक सेवा आयोग ने क्लास 1, 2 और 3 की भर्तियों के लिए अधिसूचित किए नए नियमों में कर दिया है बड़ा प्रावधान। आवेदनों में फर्जी दस्तावेज लगाने और परीक्षा केंद्र में स्टाफ के साथ अभद्रता करने वाले अभ्यर्थियों पर भी कड़ी कार्रवाई करने का भी कर दिया गया है प्रावधान। नर्सिंग स्कूल और कॉलेज खोलने के नियमों में संशोधन करने जा रही है हिमाचल सरकार। नर्सिंग संस्थानों में आधारभूत ढांचा, अध्यापन स्टाफ, उपकरण व अन्य व्यवस्थाओं का किया जा रहा है अनिवार्य। पूर्व में जिन लोगों ने नर्सिंग स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए किया है आवेदन, सरकार की ओर से उन्हें कर दिया गया है लंबित। नए नियमों के तहत ही इन्हें भी संस्थान खोलने की दी जाएगी अनुमति। राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित बेकरी की दुकान में शनिवार सुबह आग लगने से मच गई अफरा तफरी। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग ने शुरू कर दिया आग बुझाना। अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाने के साथ ही अन्य दुकानों को भी आग की चपेट में आने से है बचाया। एक सप्ताह के अंदर राजधानी में हुआ है यह बड़ा दूसरा हादसा। चंबा जिले के भरमौर ग्राम पंचायत बलोट में हुआ भयानक लैंडस्लाइड, जिसके चलते दूसरी पंचायतों से पूरी तरह कट गया इसका संपर्क। ग्राम पंचायत बलोट के सेरघार में हुआ यह लैंडस्लाइड। बरसों पुरानी सेरघार के दोबारा सक्रिय होने के चलते इसे प्रभावित होने वाले कई गांवों को करवाया गया खाली। लैंडस्लाइड के चलते यहाँ पर आ गई है बड़ी बड़ी दरारें। सरकार ने सरकारी होटलों और भवनों में खाना पीना कर दिया है महंगा। इनमें सर्किट हाउस, विलिस पार्क, पीटर हॉफ शिमला, हिमाचल भवन है शामिल। सामान्य प्रशासन विभाग ने पर्यटन निगम को भेज दी है बढ़े हुए दामों की सूची। सरकार ने चाय और स्नैक्स, सूप से लेकर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में खाने की सभी वस्तुओं के बढ़ाए हैं रेट। मेडल जीतने पर सरकारी नौकरी में आरक्षण और सरकार द्वारा घोषित नगद राशि के लिए खिलाड़ी अब करवा सकेंगे अपना ऑनलाइन पंजीकरण। खिलाड़ियों को निदेशालय के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। घर बैठे पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए निदेशालय अलग से बना रहा है वेबसाइट। इससे प्रदेश भर के हजारों खिलाड़ी होंगे लाभान्वित। मई तक मनाली लेह मार्ग पर असमय बर्फबारी का जारी है दौर। मनाली लेह मार्ग को बहाल हुए हो गए हैं 42 दिन, लेकिन मनाली लेह मार्ग पर अभी भी वाहनों की शुरू नहीं हो सकी आवाजाही। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 427 किलोमीटर लंबा मनाली लेह नेशनल हाईवे 6 माह से चल रहा है अवरुद्ध। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आईपीएल मैचों से पहले ही तैयार की गई है नई आउटफील्ड को परखने के लिए करवाए जाएंगे प्रैक्टिस मैच। इसके तहत 7 और 8 मई को एचपीसीए की सीनियर टीम के खिलाड़ी के बीच होंगे प्रैक्टिस मैच। मैच के लिए जहां मैदान की आउटफील्ड को किया जा रहा है तैयार, वहीं आईपीएल मैचों के अलावा प्रैक्टिस मैचों के लिए भी पिचों को किया जा रहा है तैयार। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवन लाइव।